हेलो एवरीवन, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फैमिली ब्लॉग्स एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। थैंक यू। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, ये है मेरे गांव का छोटा सा व्यू और ये बड़े बड़े खेत खलिहान आपको दिख रहे हैं। धान की खेती बोई गई है। तो आज बना है हमारा प्लान घूमने का, तो अभी हम जा रहे हैं कहीं घूमने। बहुत ही अच्छी जगह है, आपको ऐसे नहीं बताऊंगी, लास्ट तक वीडियो में बने रहें, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कौन सी जगह है। जो लोग वहां के लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, वो अपने आप से समझ जाएंगे कि हम लोग कहां जा रहे हैं। रास्ते का व्यू देख के खुद ब खुद समझ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये निकल रहे हैं हम सतलुज पार्क के पास से। और ये देखिए कितना अच्छा व्यू है यहाँ का। यहाँ पे हम आए थे पहले भी एक दिन, मैंने आपको बताया था। तो ये देखिए भाखड़ा डैम, नंगल डैम है, सॉरी, ये नंगल डैम है। और यहाँ यही पानी भाखड़ा नदी का पानी है, वो जहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है, आधा आधा बांट दिया गया है। लोग जा रहे हैं घूमने, तो मैंने सोचा ये इस शहर से बहुत सी यादें जुड़ी हुई है। यहाँ मैंने 8 साल जॉब की है शादी से पहले। तो ये कॉलोनिया है और नया नंगल है। नया नंगल का बहुत बड़ा ग्राउंड है ये देखिए, और उसी में ये सारा, यहाँ पे एक साइड पे बहुत बड़ा बाग है, बगीचा है, जैसे कि लीची का, आम का बहुत बड़ा बगीचा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ये नया नंगल की तरफ। और तो ये जो दृश्य है वो है नया नंगल का। लॉकडाउन की वजह से सारी शॉप्स बंद हैं, ऑलमोस्ट सारी की सारी शॉप्स बंद थी। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं महतपुर, और महतपुर मेरा पैतृक गाँव है, यहाँ पर मेरा जन्म हुआ था। तो अभी हम पहुंच चुके हैं गुलमोहर सिनेमाज में। ये बहुत बड़ा मैरिज हॉल पैलेस कम सिनेमा हॉल है। इसमें ये अंदर से ना बहुत अच्छे तरह से बनाया गया है, हम इसके अंदर गए थे देखने के लिए इसको, तो ये बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। अगर कभी भी आपका मतलब ऊना साइड चक्कर लगे तो प्लीज़ यहाँ पर ज़रूर जाना। तो ये इसके बैक साइड में नीचे अंडरग्राउंड में एक होटल बना है, यहाँ पे खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। और इसके बाद हम लोग थोड़ी देर मस्ती करने के लिए रुक गए थे और बच्चों के साथ फ़ोटो क्लिक करने लगे थे, क्योंकि बहुत अच्छी जगह है। तो मेरे बच्चे देखो कितनी मस्ती कर रहे हैं। अभी हम चल पड़े हैं आगे के लिए, अपनी डेस्टिनेशन के लिए जहाँ हमने जाना था। तो ये देखिए रास्ते का व्यू, ये हिमाचल है, हिमाचल मीन्स ऊना। और हम पहुँच चुके हैं ऊना में, और ये देखिए कितना प्यारा सा। तो अभी हम ऊना के बस स्टैंड से पीछे से अंदर को एक रास्ता जाता है, उस रास्ते से हम जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। और वो यहाँ से है 20-22 किलोमीटर दूर है, और बिल्कुल ही हिली एरिया है। ये मेरा बेटे डांस कर रहा था गाड़ी के बीच में बैठ के, और हम म्यूज़िक चलाया हुआ था बहुत लाउडली, तो लगे हुए थे डांस करने। मुझे रास्ते का व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा था। हिली एरिया तो वैसे सबको ही पसंद होता है ना, जिसको होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, देखो कितना प्यारा है। और जो लोग स्पेशली पहाड़ों से बिलोंग करते हैं उनको तो और भी प्यारा लगेगा ये व्यू, अपने घर जैसा महसूस होता है। तो अभी हम लोग आ गए हैं आगे, ऊना से काफ़ी आगे निकल चुके हैं, और हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। यहाँ ये देख व्यू देखने के बाद सब लोग समझ ही गए होंगे हम आए हैं बाबा गरीबनाथ के मंदिर में। और ये जो भाखड़ा का जो पानी है वो यहाँ तक पूरा दूर दूर तक फैला हुआ है, बहुत बड़ा ग्राउंड है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ना बहुत सारे लोग आए हुए थे, उन्होंने अपनी गाड़ियों में आए हुए थे, और सबने ना अपनी गाड़ियों में बहुत लाउडली म्यूज़िक लगा कर डांस कर रहे थे।
कुछ लोग बोटिंग कर रहे थे, कुछ लोग इधर उधर घूम के पिक्स क्लिक कर रहे थे, क्योंकि यहाँ का जो व्यू है ना, नेचुरल ब्यूटी बिल्कुल ऐसी कहीं नहीं मिलती है। ये देखिए कितना सुंदर, वाओ कितना प्यारा सा है ना, सबको बहुत प्यारा लग रहा होगा। धूप भी थी हल्की हल्की, बट ना ऐसा लग रहा था, ये देखिए कितने लोग आए हुए हैं इंजॉय करने यहाँ पे, और सब लोग ना बोटिंग कर रहे थे, कोई मतलब अपने 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 ग्रुप में बैठे हुए थे, कोई आ रहा था कोई जा रहा था। तो हम लोग भी सोच गए थे, हम लोग ये सोच के गए थे कि हम लोग नहाएंगे वहाँ जाके, बट पता क्या हुआ, पानी इतना ज़्यादा डीप था और पता नहीं लग रहा था कि कहाँ पे पानी कितना है कितना है, तो वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। फिर हम जस्ट ऐसे वहाँ पे खा पी के ऐसे आराम से बैठ के थोड़ी देर पानी में बच्चों ने खेला, और फिर हम उसके बाद में वापस आ गए थे। अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं, ये काफ़ी उतराई है नीचे को, और पानी के पास में जा रहे हैं, ये मेरे पापा हैं, बच्चे हैं, और हम लोग फटाफट से नीचे जा रहे हैं। ये देखिए कितना प्यारा व्यू, कबू क्या बना रहे आप? जेबलिया। वो क्या होता जेबलिया? अब क्या है? और ये देखो प्रेमी जोड़ा हाथों में हाथ लिए जा रहा है, चढ़ाई चढ़ रहा है। वो मारे को पूछने वाला कोई नहीं है, खुद ही चढ़ना पड़ेगा। और बाकी सब ये देखिए हम लोग चढ़ रहे हैं, काफ़ी ऊंची चढ़ाई थी ना, तो मेरे मम्मी को थोड़ा सा मेरे पैरों में प्रॉब्लम चल रही है, तो अभी इसलिए पापा उनको पकड़ के ऊपर खींच रहे थे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं गाड़ी के पास में, और ये देखो मेरे बिल्लू। और हम लोग आ चुके हैं अपनी गाड़ी के पास में, और फिर इसके बाद हम लोग मंदिर में गए थे, पर मंदिर को ना ताला लगा हुआ था, बंद था मंदिर, अभी दर्शन की अनुमति नहीं है क्योंकि अभी कोरोना की वजह से बंद कर रखे हैं वो। और पता है इस मंदिर की क्या खासियत है, ये जब बरसात में पानी भर जाता है तो ये आधा मंदिर पानी में डूब जाता है, और तब लोग ना बोर्ड में बैठ के जाते हैं, उस टाइम इसका व्यू और भी मज़ेदार है देखने में। तो अभी हम निकल पड़े हैं वहाँ से भाखड़ा की ओर, भाखड़ा का नाम तो सबने सुना ही होगा, और भाखड़ा बांध में वहाँ से गरीबनाथ मंदिर से 15 किलोमीटर है भाखड़ा बांध, और रास्ते में मैंने भाखड़ा बांध का व्यू बनाया था, और ये है भाखड़ा बांध, हमारे देश की आन वान शान। और बहुत मतलब आप सबको पता ही है भाखड़ा बांध कितना प्रसिद्ध है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी है, पर मैंने छुपा के थोड़ा सा वीडियो बना लिया था। और ये एक बहुत बड़ी सुरंग है, ये देखिए कितना प्यारा सा व्यू लग रहा है। यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी यहाँ पे, और क्या कहते हैं ना, लाइट्स वगैरह सारा कुछ अरेंजमेंट है, और अब वहाँ पे सिक्योरिटी इतनी टाइट है ना कि हर जगह में मतलब पुलिस है, और जगह जगह पे पूछताछ होती है, कहाँ से आए कहाँ जा रहे हो। 4 बजे के बाद वैसे ये रास्ता ऑलमोस्ट बंद हो जाता है। ये देखिए भाखड़ा बांध का व्यू, जब पानी मतलब ऊपर तक आ जाता है तब इसके गेट खोले जाते हैं, अभी पानी कम है गर्मियों की वजह से। तो ये देखिए व्यू भाखड़ा, ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन दुनिया की पहली ऐसी ट्रेन है जो बिल्कुल फ्री है। और धर्मेंद्र जी की एक बहुत फेमस मूवी भी है, नाम मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, बट वो मूवी यहाँ पे ही शूट हुई थी। और ये देखिए हर तरफ पानी ही पानी का व्यू है, और ये देखिए पानी का व्यू, हर तरफ पानी ही पानी है, और इसी वजह से नंगल ना बहुत ज़्यादा फेमस है। और पता है यहाँ पे आके क्या हुआ, हम लोग रास्ता भूल गए थे, लोग ना हमारे को बड़े अजीब तरह से देख रहे थे कि आगे तो रास्ता बंद है, ये कहाँ को जा रहे हैं।